टी20 वर्ल्ड कप में 2 महीने के आसपास का वक्त बचा है और इंडिया को ये पता नहीं है कि विकेट कीपर बैट्समैन कौन होगा। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि टी20 वर्ल्ड कप में इंडिया का विकेट कीपर कौन होना चाहिए। आपको सारे ऑप्शंस बताएंगे, डिफरेंट टीम कॉम्बिनेशन बताएंगे और एंड में बताएंगे कि एक्चुअली कौन बेटर ऑप्शन है या बेस्ट ऑप्शन है इंडिया के लिए इस वक्त जो टी20 वर्ल्ड कप में जाना चाहिए। आप भी कमेंट करके जरूर बताइएगा कि कौन सा खिलाड़ी आप चाहते हैं जो इंडिया के लिए टी20 वर्ल्ड कप खेलने के लिए जाए। तो सबसे पहले आप इस वक्त का सिनारियो समझिए, क्योंकि जब से रोहित शर्मा और विराट कोहली की टी20 टीम में वापसी हुई है, इंडिया का टी20 का टीम कॉम्बिनेशन पूरी तरह से बदल चुका है, या यूं कहें कि बिगड़ चुका है। अभी के सिनारियो में यशस्वी जायसवाल ओपन कर रहे हैं, रोहित शर्मा उनके साथ ओपन कर रहे हैं, 3 नंबर विराट कोहली खेल रहे हैं, 4 नंबर पर सूर्यकुमार यादव और 5 नंबर पर हार्दिक पांड्या। अब इसमें एक चीज आप देखिए कि आपके लिए विकेट कीपर का स्लॉट नंबर 6 पर ही खाली है और आपके पास जो ज्यादातर ऑप्शन हैं वो ये चाहते हैं कि उनको टॉप ऑर्डर में बल्लेबाजी कराई जाए, क्योंकि पिछले बार जब आप टी20 वर्ल्ड कप में गए थे और आपने जो 2 टी20 वर्ल्ड कप में विकेट कीपर पिक किए थे, चाहे वो दिनेश कार्तिक हो चाहे वो ऋषभ पंत हो, दोनों ही फेल हुए थे। ऋषभ पंत की बात अगर करें तो 6 नंबर उनको सूट करता नहीं है। उसके अलावा आपके पास जो ऑप्शन है, ईशान किशन भले ही वो कंसिडरेशन में नहीं है, लेकिन उनको भी अगर आपको खिलाना है टी20 टीम में तो वो टॉप 3 में ही उनकी जगह बनती है। वो आपके 6 नंबर के प्लेयर किसी भी सूरत में नहीं हो सकते, बिकॉज 6 नंबर एक स्पेशलिस्ट जॉब है और आपको यहाँ पर एक स्पेशलिस्ट प्लेयर ही चाहिए होगा। उसके अलावा आप संजू सैमसन की भी बात कर सकते हैं, तो संजू सैमसन भी अपनी फ्रेंचाइजी के लिए जो क्रिकेट खेलते हैं वो 3 नंबर पर ही खेलते हैं और 3 नंबर पे यूज टू भी हैं, उनका गेम भी 3 नंबर पर ज़्यादा सूट करता है, बिकॉज लास्ट में गेम थोड़ा सा डिफरेंट तरह का चाहिए होता है, जहाँ पर मिक्स ऑफ पावर एंड टाइमिंग दोनों होना चाहिए, क्योंकि वेस्ट इंडीज में विकेट्स भी थोड़े स्लोइस्ट से होंगे और स्लोइस्ट विकेट से आपको 2023 वर्ल्ड कप का फाइनल याद आता है कि आपको फिर वो टाइमिंग वाला बैट्समैन वहाँ चलेगा नहीं, आपको पावर गेम वाला बैट्समैन भी चाहिए होगा। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से आप विकेट कीपर 6 नंबर पर लेके जा ही नहीं सकते, बिकॉज 6 नंबर के भी जो ऑप्शंस आपके पास हैं उसमें 2 ऑप्शन अभी करंट में आपको नजर आते हैं। एक जितेश शर्मा, जिनको आपने 5-6 मैचेस खिलाए थे इस आईपीएल से पहले, और 5-6 मैचेस में उनकी क्रिकेट देख करके जो चीज समझ में आती है कि वो आपको श्योरिटी नहीं देते, वो आपको भरोसा नहीं देते। जिस दिन चलेंगे बहुत अच्छा करके जा सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर मौक़ों पर वो फेल ही होंगे और बहुत सारी टेक्निकल खामियां भी उनकी बल्लेबाजी में निकल करके आई हैं। जो क्रिकेट आप डोमेस्टिक लेवल पर खेलते हैं और यहाँ पर इंटरनेशनल लेवल पर या टॉप लेवल पर खेलते हैं उसमें बहुत अंतर होता है। जो क्वालिटी ऑफ बॉलिंग बढ़ती है तो जितेश शर्मा का गेम वहां पर क्वेश्चनेबल है। साथ में आप देखेंगे जो आईपीएल में उनकी क्रिकेट जा रही है वो भी अच्छी नहीं जा रही, पिछले साल भी आईपीएल में उनकी क्रिकेट अच्छी नहीं गई थी, तो उनको लेकर के कोई भी पूरी तरह से श्योर नहीं हो सकता। उसके बाद दूसरे खिलाड़ी की बात करें, ध्रुव जोरेल का एक नाम चल रहा है। ध्रुव जोरेल का इसलिए कि अभी टेस्ट क्रिकेट इंडिया के लिए खेले थे, कीपिंग अच्छी करते हैं स्पिनर्स के खिलाफ और स्पिनर्स के खिलाफ गेम भी उनका अच्छा है, लेकिन 6 नंबर की बात जब आएगी तो वो यंग खिलाड़ी को ये इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या देना चाहते हैं, वो सवाल मुझे लगता है ज़्यादा बड़ा रहेगा। हालांकि वो आरआर के लिए पिछले सीजन गेम्स फिनिश कर रहे थे और स्पेसिफिक इसी रोल में खेल रहे थे, लेकिन जो विकेट्स आप आईपीएल में देखते हैं जिस तरह के होते हैं और जिस तरह के विकेट्स आपको वेस्ट इंडीज में देखने को मिलेंगे उसमें बहुत बड़ा अंतर रहेगा और बहुत हद तक डिपेंड करेगा कि ये आईपीएल का सीजन ध्रुव जोरेल का कैसा जाता है। तो ये तो सारे ऑप्शंस हैं जो अभी आपको दिखाई दे रहे हैं। अब इसमें एक और बड़ा पेच है कि आपके जो 2 बड़े खिलाड़ी हैं टी20 क्रिकेट के हिसाब से, मेरी नज़र में आज के 2 इंडिया के जो बड़े खिलाड़ी हैं जो मैच विनर नज़र आते हैं, एक यशस्वी जायसवाल और दूसरे रिंकू सिंह, इस टीम कॉम्बिनेशन में दोनों में से एक ही खेल पाएगा और ज़्यादा ज़रूरत मेरे हिसाब से आपको जिस तरह के खिलाड़ी की रहेगी वो रहेगी फिनिशर की, क्योंकि वो बहुत स्पेसिफिक जॉब है और आपको बिल्कुल रिक्वायरमेंट के हिसाब से वहाँ पर प्लेयर चाहिए होगा जिसको एक्सपीरियंस भी हो गेम फिनिश करने का। क्योंकि होता क्या है कि जब आप यंग खिलाड़ी को लेके आते हैं और वो एक आधा मैच फिनिश नहीं कर पाता तो सवाल बहुत उठते हैं और उस खिलाड़ी पर प्रेशर बनता है। तो जिस खिलाड़ी ने इस रोल को पहले कर रखा है और सक्सेसफुली कर रखा है वो खिलाड़ी आपको भरोसा भी ज़्यादा देगा, खुद में भी ज़्यादा कॉन्फिडेंट होगा और मेरे हिसाब से आप देखें पावर गेम भी उस खिलाड़ी के पास है। मैं बात कर रहा हूँ रिंकू सिंह की।
तो आपका 6 नंबर का प्लेयर मेरे हिसाब से रिंकू सिंह होना चाहिए, तभी आपके लिए टॉप 3 में भी जगह बन पाएगी, आप विकेट कीपर्स के लिए भी स्लॉट खोल पाएंगे और आपको यशस्वी जायसवाल को अपनी टीम से बाहर रखना पड़ेगा। ये बहुत टफ और मुश्किल कॉल होगा, लेकिन आपको जब दोनों में से एक चुनना ही है और रोहित विराट साथ खेलेंगे तो फिर यही मेरे हिसाब से बेटर सोल्यूशन है, क्योंकि रिंकू का रिप्लेसमेंट आपको दूसरा नहीं मिल सकता, यशस्वी जायसवाल का आपको मिल सकता है। अब यशस्वी जायसवाल की जगह पर ओपन कौन करेगा? एक तो स्ट्रेट फॉरवर्ड है कि आप रोहित विराट को ओपन करा दें और अपने विकेट कीपर को नंबर 3 पर ले आएं। दूसरा, आप जिस विकेट कीपर को लेके आ रहे हैं आप उसको ही ओपन करा दें। उसमें आपके पास जो ऑप्शंस हैं, पहले ईशान किशन की बात करें तो देखो, ईशान किशन को आप ओपन करा के देख चुके हैं, उनके साथ एक बीमारी है कि पावर प्ले का इस्तेमाल वो नहीं करते। इनिशियली कई बार बहुत स्लो खेल जाते हैं, डॉट बॉल खेल जाते हैं, कभी जल्दी उनके आगे ऑफ स्पिनर लग जाए तब भी वो मुश्किल में नजर आते हैं, गेंद स्विंग कर जाए तब भी वो मुश्किल में नजर आते हैं, और शायद वैसे भी सेलेक्टर्स रोहित शर्मा, राहुल द्रविड़, ईशान किशन को हाल फिलहाल इंडियन टीम में नहीं देखते हैं, तो मैं उनकी प्रोबेबिलिटी को तो शायद खत्म मानता हूं। अब दो ऑप्शन आपके पास बच गए, जिसमें से एक ऑप्शन है संजू सैमसन का। संजू सैमसन का आईपीएल भी अच्छा जा रहा है, इंडिया के लिए जो लास्ट ओडीआई क्रिकेट खेले थे वहां पर भी उनकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रही है, और पिछले 6-8 महीनों में ये खिलाड़ी बहुत इम्प्रूव नजर आया है, बहुत बेहतरी इसके गेम में भी दिखी है, और जो कंसिस्टेंसी ओवर द ईयर्स लैक करते थे वो सारी चीजें इनके गेम में पिछले 6 महीने में बेहतर होती हुई दिखी हैं, जो लगातार इनके साथ नहीं देखने को मिलता था। तो एक तो वो ऑप्शन रहेंगे, लेकिन शायद आप चाहेंगे कि आपको टॉप ऑफ द ऑर्डर लेफ्ट राइट का कॉम्बिनेशन मिल जाए, क्योंकि वो डिफरेंस डाल सकता है, और ऐसे में आपके पास एक विकल्प निकल करके आता है जो आपने T20 वर्ल्ड कप 2022 के बाद जब न्यूजीलैंड का दौरा किया था तब सोचा था, और वो खिलाड़ी था ऋषभ पंत, क्योंकि उनको ओपन कराया भी था, हालांकि वो सक्सेसफुल नहीं हुए थे न्यूजीलैंड के 2 या 3 मैचेस जो भी थे, लेकिन ऋषभ पंत एज अ प्लेयर अगर आप देखेंगे, जितनी भी T20 क्रिकेट उन्होंने अपने करियर में खेली है, चाहे वो सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी हो, चाहे आईपीएल की उनकी बड़ी सक्सेस हो, वो सारी टॉप 3 में आई है। अभी आप आईपीएल में भी देख रहे हैं कि उनको 4 नंबर पर खिलाया जा रहा है, उतना सक्सेसफुल नहीं हो रहे हैं, लेकिन जब भी उनको ऊपर खिलाया जाता है, गेंदें ज्यादा मिलती हैं, वो सक्सेसफुल भी होते हैं। दूसरी चीज, इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से जो इंपॉर्टेंट रहेगी, ऋषभ पंत नेचुरली अटैकिंग प्लेयर है, ज्यादा टाइम वो वैसे भी वेस्ट नहीं करते, और जब पावर प्ले होगा तो उसके ऊपर से गेंद मारने की काबिलियत है, और ऋषभ पंत के पास ये भी है कि जब एक बार वो सेट हो गए तो लंबी पारी भी खेलते हैं, वो लंबे रन भी आपको बना के दे सकते हैं। तो मुझे तो लगता है कि आपको लेफ्ट राइट का कॉम्बिनेशन भी मिल जाएगा, एक मैच्योर्ड प्लेयर मिल जाएगा जिसके पास पावर गेम भी है, जिसके पास सिर्फ टाइमिंग का गेम नहीं है, पावर वाला गेम भी है, क्योंकि वेस्ट इंडीज या स्लोएस्ट विकेट पर जब भी आप खेलते हैं तो आपके पास सिर्फ टच एंड टाइमिंग का गेम इंपॉर्टेंट नहीं होता, आपके पास पावर गेम भी होना भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जो कि ऋषभ पंत के खेल में नजर आता है। स्पिनर्स को भी अटैक कर सकते हैं और टेक्निकली साउंड है। अगर मान लीजिए कि अर्ली ऑन गेंद स्विंग हो रही है, तो जो खिलाड़ी टेस्ट क्रिकेट में ओवरसीज टूर्स पर इतनी सक्सेस आपको दे चुका है, तो उस सिचुएशन को भी टैकल करके जा सकता है। तो मेरे हिसाब से सभी पैमानों पर तोलें और देखें तो ऋषभ पंत बेटर चॉइस नजर आते हैं। ऐसा इसलिए भी, इससे पहले ऋषभ पंत की बात क्यों नहीं हो रही थी, क्योंकि उनकी फिटनेस को लेकर के डाउट थे कि ऋषभ पंत कितने फिट हैं। अभी आईपीएल के मैचेस खेलने के बाद, पूरी तरह से विकेट कीपिंग करने के बाद ये तय हो गया है कि ऋषभ पंत फिजिकली, मेंटली पूरी तरह से इंडियन क्रिकेट में वापसी के लिए फिट हो गए हैं, और जब फिट हो गए हैं तो मेरे हिसाब से सिलेक्शन के लिए अवेलेबल भी होने चाहिए, और जब सिलेक्शन के लिए अवेलेबल हो जाएंगे तो आप एक बार अपना टीम फॉर्मेशन देखिए कि आपकी क्या वो प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है जिसकी वजह से आप यशस्वी और रिंकू को साथ में खिलाना चाहते थे। रोहित शर्मा और ऋषभ पंत मान लीजिए आपके लिए ओपन कर रहे हैं, तो आपको जो फायर पावर एट द टॉप चाहिए वो ऋषभ पंत आपको दे सकते हैं, लंबी पारी भी खेल सकते हैं, लेफ्ट हैंडर भी आपको मिल गया है, विकेट कीपर भी आपको मिल गया है, विराट कोहली को भी आपने रख लिया मिडिल ओवर कंट्रोल करने के लिए, जो वो 3 नंबर पर बल्लेबाजी कर लेंगे, देन 4 नंबर सूर्यकुमार यादव को भी आपको हिलाना नहीं पड़ेगा, हार्दिक पांड्या भी अपने 5 नंबर पर बने रहेंगे, और 6 नंबर पर रिंकू सिंह के रूप में आपको एक अच्छा फिनिशर भी मिल जाएगा, जो मैं समझता हूं कि बहुत इंपॉर्टेंट है।
देन फिर आपके ऑलराउंडर्स की कहानी शुरू हो जाती है और बॉलर्स की कहानी शुरू हो जाती है, लेकिन बैटिंग ऑर्डर आपका एटलीस्ट सारे बेसिस कवर करता हुआ नजर आएगा। तो दोस्तों मेरे हिसाब से तो विकेट कीपर की चॉइस आज की डेट में जो बेटर नजर आ रहे हैं वो ऋषभ पंत ही हैं। बाकी बचे हुए आईपीएल के मैचेस पर भी बहुत कुछ डिपेंड करेगा, लेकिन उसके लिए जरूरी यह है कि दिल्ली कैपिटल्स की टीम में भी ऋषभ पंत एटलीस्ट 3 नंबर बल्लेबाजी करें जो उन्होंने कल के मैच में की थी। तो दोस्तों ये था ओवरऑल वीडियो, इस पर आप अपनी राय जरूर दीजिए क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि इंडिया के लिए विकेट कीपर बैट्समैन कौन होना चाहिए। एक खिलाड़ी का जिक्र हमने नहीं किया, केएल राहुल का। अब वो ना 3 में है ना 5 में है, सीधी सी बात है वो कहीं नहीं है और मेरे हिसाब से होने भी नहीं चाहिए। बाकी ये वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।